हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, आप देख रहे हैं द मोबाइल एंड गैजेट शो। मैं हूं अभिषेक। और मैं हूं दिनेश। इस हफ्ते सारी दुनिया के कई कंप्यूटर्स पर एक बहुत बड़ा हैकिंग अटैक हुआ। दुनिया भर में करीब 2.5 लाख कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो गए और वॉनाक्राई नाम के इस रैंसमवेयर ने दुनिया भर की कंपनीज और इंडिविजुअल्स के डेटा की लिटरली किडनैपिंग कर दी। और किडनैपिंग तो की ही, फिरौती भी मांगी पूरे $500 से $600 बिटकॉइंस में। यार, $500 से $600 वैसे तो इतनी बड़ी रकम नहीं है, बट वेन यू मल्टीप्लाई टू 2.5 लाख्स, फिर सोचो, डू द मैथ्स। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऐसे हादसे आपके साथ आगे ना हो, इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ये सब पता करने के लिए आज हम मोबाइल एंड गैजेट शो में आपकी इंटरनेट लाइफ को सेफ एंड सिक्योर बनाने के टिप्स देंगे। और ये सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा ही खास पैनल है। हमारे साथ हैं देश के मशहूर साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुगल, और हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, जिनकी कंपनी ल्यूसीडियस वॉनाक्राई जैसे विलन से लड़ने के लिए हर दिन नए सुपर हीरोज तैयार करती रहती है। तो राहुल, कितना बड़ा खतरा है ये वॉनाक्राई का? सी, अगर वॉनाक्राई की हम बात करें तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता था भारत के लिए, लेकिन अगर आप इसका कोर कोड देखा जाए और इसका जो इम्पैक्ट देखा जाए पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये एक्चुअली भारत को टारगेट करके बनाया ही नहीं गया था, जिसके लिए हम बच गए। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था हमारे देश का बचने के लिए एज़ कम्पेयर टू यूके और रशिया, क्योंकि हम डिजिटली उतना कनेक्टेड नहीं है जितना रशिया और यूके है। बट डेफिनेटली कि ये कुछ रिपोर्ट्स हुए हैं, बट इतने ज़्यादा मेजोरिटी में मैं चाहता हूँ भारत काफ़ी हद तक बच गया बाकी देशों के। बट स्टिल पवन जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि दरअसल रैंसमवेयर इन लोगों ने किया, उसके बाद जो यूजर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, उनसे $500 से $600 ये अमाउंट मांग रहे हैं बिटकॉइन में। अब ऐसे में ज़रूरी डेटा तो है, अब ऐसे में एक इंडिविजुअल के दिमाग में आता है यार, $500-$600 बिटकॉइन में अगर मैं दे देता हूँ एक बार में, झंझट निपटे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका सिस्टम विक्टिम बन चुका है इस अटैक का, तो आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा नहीं है। या तो आप उन्हें पैसे दे दीजिए या पैसे ना दें। हम लोग राय कहते हैं कि आप पैसे ना दें, क्योंकि पैसे देने से आप साइबर क्रिमिनल्स को प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डेटा इतना क्रिटिकल है कि आप उसके बगैर अपना धंधा कर ही नहीं सकते, तो शायद एक ही विकल्प रहेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं ऑलरेडी क्वाइटली पैसे दे रही हैं, और लगभग एक आंकड़ा में कल रात पढ़ रहा था, 1 मिलियन यूरोज अभी तक उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं पूरी दुनिया भर से। और इस जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, ये वापस जाएंगे शोध में, नए प्रकार के अटैक में किस तरीके से वो वापस अटैक कर सकेंगे। मतलब, और गारंटी नहीं है कि आपने पैसे दिए भी तो आपको अपना सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऐसे में मतलब हम अगर फिरौती दे रहे हैं तो एक विशेष सर्कल में फंसते चले जा रहे हैं और ज्यादा। और देखिए, ये तो एक शुरुआत है। मैं मानता हूँ इस तरह का जो अटैक है इंसानियत की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अटैक है। राहुल, रिसेंटली हमने ये भी सुना है कि जोमैटो का डेटा ब्रीच हुआ है, इवेंचुअली वो डेटा पब्लिक का है, हम सभी में से आम आदमी का है। तो ऐसे में क्या हम जैसे लोगों को, हर एक आम आदमी को एप्स और सर्विसेज का इस्तेमाल अब करना बंद करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ, मतलब क्या करें, बिकॉज इंसानियत के ऊपर से तो भरोसा ही उठ जाएगा अगर इस तरीके से। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ अटैक्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं जीरो डेज। एक ऐसा अटैक होता है कि जो कंपनी जो चीज़ बनाती है उसको भी पता नहीं रहता कि ये छोटा सा एक बग है। आपके पास 100 खिड़कियाँ हैं घर में, और अगर 100 दरवाजे हैं, उसमें से एक का भी अगर आपने लॉक अच्छे से नहीं रखा, तो हैकर को एक ही दरवाज़ा चाहिए आने के लिए। तो अगर जोमैटो की बात करें या बाकी कंपनी जो हैक हो रही हैं, तो उसके अंदर जो ब्रीच हुआ है उसके अंदर डेटा उन्होंने स्टील किया है, आई थिंक काफ़ी मिलियन यूजर्स का। बट इसमें बुरी बात था क्योंकि वो हुआ है, आपका डिटेल गया है। लेकिन अच्छी बात भी क्या है कि एज़ पर द RBI गाइडलाइन, जितनी भी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में आपकी यूज़ करती हैं आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स, इनको जो आपका पासवर्ड होता है वो हैश वैल्यू के अंदर रखना पड़ता है। मतलब अगर मेरा पासवर्ड Rahul123 है, वो कभी भी ऐसे सेव नहीं होगा, वो इनक्रिप्टेड होगा, हैश वैल्यू में होगा, कि अगर क्रिमिनल उसको ले भी लेता है, उसको डिक्रिप्ट करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड राहुल है फॉर एग्जांपल, अब ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि डिक्शनरी में भी मिल जाएगा या बाकी जगह पे भी मिल जाएगा। अगर ऐसा पासवर्ड है तो उसको डिक्रिप्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर 100 लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, तो मेरा मानना है 20 से 25 लोगों का पासवर्ड पब्लिक आएगा ही आएगा, और क्रिमिनल उसका मिसयूज़ कर भी सकता है। पवन जी, एक बात बताइए कि एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन आम कंज्यूमर, एज एन आम आदमी, हम लोगों के पास दरअसल है क्या? सपोज मेरा डेटा आज की तारीख में हैक हो गया, तो मेरी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए? मतलब मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्या करूँ? पहली बात, अगर आपका डेटा हैक हो जाना चाहिए या हो जाता है,
तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा रेमेडीज नहीं है। उसका कारण यह है, हाँ, हैकिंग एक दंडनीय अपराध है। धारा 66 भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में आप पुलिस थाने जा सकते हैं, एक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। पुलिस मुकदमा ना दर्ज करे तो स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। अगर आपको हैकर की आइडेंटिटी पता है तब आप उसके विरुद्ध 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना मांग सकते हैं। बट ये कुछ दो बुनियादी रेमेडीज हैं, इसके अलावा रेमेडीज नहीं है। उसका कारण ये है, ना तो भारत के पास कोई विशिष्ट साइबर सुरक्षा कानून मौजूद है जो आपको विशिष्ट प्रकार की रेमेडीज या सहूलियतें प्रदान करें जब इस तरह के आप विक्टिम बन जाते हैं। और दूसरा, भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आज से बहुत साल पहले उसको अमेंड किया गया था, 9 साल हो गए। तब से टेक्नोलॉजी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ गई है लेकिन हमने उसको अभी तक संशोधित नहीं किया। राहुल, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जो रैनसम वेयर अटैक जो हुआ है वो अभी सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हुआ है, लेकिन क्या ये आने वाले समय में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी आने की कितना पोटेंशियल आप देखते हैं? स्मार्टफोन डेफिनेटली ये बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि अगर आप देखिए आज के डेट में जो यूथ है, जहाँ जितना भी आपका एक्चुअली प्रोफेशनल काम है या बिजनेस काम है, वो ज़्यादा मोबाइल्स और आईपैड्स के ऊपर हो रहा है, तो क्रिमिनल डेफिनेटली उनकी आई है इसके ऊपर। तो वो अभी जो अभी 2.0 आएगा, WannaCry जो आ चुका है, उसके ऊपर उनका मेन फोकस या आई गेस मे बी स्मार्टफोन रहे आगे जाके। बट स्मार्टफोन की अच्छी चीज़ क्या है कि एक तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो यहाँ पे आपका सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ नहीं है, आपकी पर्सनल डेटा, आपका पिक्चर्स है। इससे पहले लाइक वी आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स ऑन दिस रैनसमवेयर एंड अदर अटैक जो होते हैं फॉर आवर प्रोडक्ट। सो उसके अंदर हमने देखा एक और इससे भी खतरनाक आया था रैनसमवेयर, जिसका नाम था डॉक्सवेयर, आपने याद होगा शायद 2014-15 में। वो डॉक्सवेयर सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर लॉक ही नहीं करता था, लॉक करने से पहले आपकी जितनी भी JPG पिक्चर्स होती थी, MP5 फाइल होती थी पर्टिकुलर साइज की, 10 MB की, ताकि वो सिंक कर सके, वो सारी चीज़ें चुरा के जिप करके अपने सर्वर पे ले जाते थे। और अगर आपका कंप्यूटर लॉक हो गया, आपने पैसे दे दिए तो ठीक है, अगर आप नहीं देते, हमें सुना चलो कोई बात, इतना डाटा अच्छा नहीं था तो मुझे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मुझे नहीं चाहिए, फिर भी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको मेल करके ब्लैकमेल करेंगे कि आपकी जितनी प्राइवेट पिक्चर फोटोज हैं हम उसको पब्लिक कर देंगे। अब क्योंकि WannaCry इतना ज़्यादा हिट इसलिए हुआ क्योंकि इट वॉज नॉट ए ऑर्गेनाइज क्रिमिनल डेवलप्ड प्रोग्राम, इट वॉज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर यू वेपन डिजाइन बाय द CIA, जो पब्लिक डोमेन में अभी है डिटेल उसका, उसके अंदर इन्होंने जो उसके अंदर एम्बेड करके कोड जो लॉन्च किया है, तो इससे ज़्यादा पावरफुल आज तक कोड और कम्प्लेक्स कोड आज तक हिस्ट्री में हमने नहीं देखा रैनसमवेयर में। ये डरा दिनेश हम लोगों ने काफ़ी दिया है।